बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 स्पाइस फूड की एक और रेसिपी के साथ मैं हूं बशरा। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं सहरी के लिए एक स्पेशल डिश, ये है अंडा घोटाला। उसके लिए ले लिए हैं हमने चार डिश स्पून ऑयल ले लिया है, और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे एक लार्ज अनियन चॉप हुआ हुआ। आप चाहें तो इसको हैंड चॉप भी कर सकते हैं और इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसी के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं दो टमाटर, मीडियम कटे हुए चॉप हुए हुए टमाटर डाल देंगे हम। इसके साथ ले लेंगे ये 6 अदद हरी मिर्चें, और उसको भी हम स्लाइटली काट लेंगे और इनको उतना ही देर तक सौते करेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाएंगे। ऐसा किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस जैसे ही प्याज और टमाटर नरम होते हैं हम इसके अंदर अंडे का आमेजा डाल देंगे, यानी कि 4। मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 अंडे और उनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद उनको रख दिया है साइड पे, और वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को अंडे बीटने आते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया था जीरे का और उसको अच्छी तरह से कूट के डाल दिया है। नमक मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी, यानी कि ये जो हमारी सब्ज़ी है इसके हिसाब से, और अंडों के हिसाब से, यानी कि 5 अंडे लिए हैं मैंने उसके हिसाब से मैंने अंदाजे से नमक डाल दिया है। आप लोग भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे जा रहा है 1/2 चम्मच गरम मसाले का, 1 चम्मच लाल मिर्चों का, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। तो ये मैंने भूना था और इसकी क्लिपिंग थोड़ी सी मेरे से शॉर्ट हो गई थी। 5 अंडे लिए थे और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके बस पकाना है। इसका जो घोटाला बनाता है घोल घोल के थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था, खैर है हमने ही खाना था। तो जनाब, ये हमने बना लिया है। इसको अच्छी तरह से अंडे को पका लेंगे, और ऑयल की अगर आपको नीड लगे कि इसमें ऑयल कम हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो आप 1 टेबल स्पून और ऐड करते, नहीं तो फिर और कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रेडी हो गया है अंडा घोटाला, झटपट सहरी के लिए ज़बरदस्त मज़ेदार। इस वक्त पराठे हमारे नहीं आए थे तो मैं आपको पराठे के साथ नहीं दिखा सकी, लेकिन ये वैसे ही इतना शानदार और ज़बरदस्त लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।